नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है एक ऐसी चेसिस जिसने भारत के बस मार्केट में रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, और ये कोई और नहीं आइशर की प्रो 6019 बस चेसिस है, और खासकर अपने सेगमेंट की सबसे तगड़ी चेसिस आप मान सकते हैं। इसमें आपको मिलता है VEDX 5 इंजन, 176 किलोवाट की पावर जनरेट करता है 900 न्यूटन मीटर के साथ। इस गाड़ी की जो लेंथ है, ओवरऑल लेंथ वो 11.7 मीटर्स की है। इसमें आपको 13.5 मीटर ऑप्शन भी मिल जाता है, और खासकर फ्रंट साइड से लुक है गाड़ी का इस प्रकार दिखता है। आपको चेसिस में यहाँ पर हेडलाइट्स एंड इंडिकेटर दिए गए हैं, और खासकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 मीटर चेसिस है, इसमें 13.5 मीटर ऑप्शन भी आता है। बेस वेरिएंट की कीमत शुरू होती है 42 लाख रुपीज़ से, और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत जाती है 47 लाख रुपीज़ तक। और ये जो वेरिएंट है ये खासकर टॉप एंड वेरिएंट है, जिसमें आपको एयर सस्पेंशन, रिटार्डर और कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन की माउंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी की गई है, और खासकर VEDX 5 इंजन 4 सिलेंडर इंजन है, जो काफ़ी ट्रस्टेड इंजन आप मान सकते हैं। फ्रंट साइड में आपको मिलता है एयर सस्पेंशन, देख सकते हैं, जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल जो है गाड़ी का काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 24 वोल्ट बैटरी सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी कटऑफ स्विच आपको दिया गया है, जो खासकर यहाँ से ऑपरेट होता है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें न्यूमेटिक टैंक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 न्यूमेटिक टैंक्स हैं, ये 5 और ये 6, इसमें कुल 6 न्यूमेटिक टैंक्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर स्पेयर व्हील लोकेशंस का दिया गया है। रियर एक्सल पर एयर सस्पेंशन होने के कारण गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। बट 13.5 मीटर सेगमेंट में मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर इस गाड़ी का अपना एक दबदबा बन चुका है। टायर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है 295/80R 20.5 सेक्शन के टायर्स। रियर साइड से लुक इस प्रकार दिखता है। इस वीडियो में आपको मैं 12 मीटर वेरिएंट दिखा रहा हूँ। रियर साइड में आपको मिल जाते हैं हैलोजन टेल लाइट्स, और यहाँ पर एक रिवर्स पार्किंग सेंसर, और खासकर सेंसर की जो माउंटिंग है बॉडी बिल्डर बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कपलिंग यहाँ पर दी गई है। इस गाड़ी का जो प्रोडक्शन होता है वो पीतमपुर मध्य प्रदेश में होता है। इसमें आपको 495 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा है, और इसमें ये पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक होने के कारण इसमें रस्टिंग की कोई समस्या नहीं होती है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें टेलीमेटिक्स फीचर भी दिया गया है, जिसकी वजह से आप ऑनबोर्ड फ्यूल ट्रैकिंग सिस्टम भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप हैजल फ्री बिजनेस रन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका EATS ने की एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पर इसका एडब्लू टैंक है। और दोस्तों कैबिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एयर इंटेक है, और यहाँ पर एयर फिल्टर दिया गया है। तो स्टेप्स में आप अंदर जा सकते हैं। इसका ये पार्किंग ब्रेक है, न्यूमेटिक सस्पेंडेड सीट, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही मिलेगा। बट यहाँ पर कंट्रोल्स की कुछ अगर हम बात करें, यहाँ पर हिल होल्ड असिस्ट के कंट्रोल दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पावर मोड, इको मोड, इको प्लस मोड के बटन दिए गए हैं। गाड़ी में अगर लोड नहीं होगा तो आप इको प्लस पे चलाइए, काफ़ी अच्छा आपको माइलेज देगी। और साथ ही साथ यहाँ पर रीजनरेशन ऑन ऑफ के कंट्रोल्स, ABS का बटन, बैटरी कटऑफ स्विच, हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट बटन, इंडिकेटर और OBD पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। और आइशर की सभी गाड़ियों में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और व्हीकल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है माइलेज में। और खासकर दोस्तों इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इस प्रकार से आइशर 6019 चेसिस से आती है। इसका कूलेंट टैंक, और खासकर आइशर ने पहले इस प्रकार आया करता था आइशर में, बट अभी आइशर ने इम्प्रूव कर लिया। इसमें आपको इस टाइप का बॉक्स टाइप में शेप मिलता है, और खासकर फ्रंट ग्रिल और काफ़ी हेवी क्वालिटी के साथ ये चेसिस आ रही है। मार्केट में इसका अलग दबदबा बन चुका है, और जब इस पर बॉडी बन जाती है दोस्तों तो इस प्रकार दिखती है। देखिए ये MG की ग्लाइडर्स है, आप चाहे तो प्रकाश कपिला बना सकते हैं, प्रकाश वेगा बना सकते हैं, वीरा V7, वीरा V8, हर वो बस बॉडी आप इस पर बना सकते हैं। इस बस चेसिस की जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 42 लाख रुपीज़ शुरुआत होती है, और एंडिंग होती है 47 लाख रुपीज़ तक। रिटार्डर जो होता है वो कैसे काम करता है आपको समझाता हूँ। ये जो प्रोपेलर शाफ्ट आप देख सकते हैं इंजन से आया हुआ, यहाँ पर जो है प्रोपेलर शाफ्ट को ये ब्रेकिंग करता है, जिसकी वजह से आप स्पीड पर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आइशर की प्रो 6019 चेसिस? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ सिराज चौधरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।